कंप्यूटर से संबंधित किसी भी काम में परफेक्टनेस लाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक की सभी शॉर्टकट कीज को हम यहाँ पर समझेंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखें। कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल सिलेक्ट। कंट्रोल ए को हम जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा सारा मैटर एक ही बार में सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड। तो हम जिस भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और हम कंट्रोल बी को अप्लाई करते हैं तो वह बोल्ड हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर टेक्नो मुकेश को सिलेक्ट करते हैं और हम कंट्रोल बी को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टेक्नो मुकेश बोल्ड हो चुका है। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी। तो यहाँ पर हम मुकेश को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल सी को अप्लाई करते हैं तो यह हमारा कॉपी हो चुका है। अब हम डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में आकर और यहाँ पर राइट क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे तो जो भी हमने कॉपी किया था वो टेक्स्ट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मुकेश आ चुका है। कंट्रोल डी को प्रेस करने पर हमारे सामने फॉन्ट ऑप्शन आ जाता है तो हम यहाँ पर मुकेश को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमें यहाँ पर कंट्रोल डी को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर फॉन्ट ऑप्शन आ जाता है जिसमें हम इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसकी फॉन्ट की स्टाइल को भी बदल सकते हैं, इसकी फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं और फॉन्ट पर हम यहाँ पर कई सारे इफेक्ट भी दे सकते हैं। हम अगर किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम कंट्रोल ई को अप्लाई करते हैं तो हमारा वह टेक्स्ट हमारे पेज के सेंटर में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि टेक्नो मुकेश हमारे पेज के सेंटर में आ चुका है। कंट्रोल एफ का मतलब होता है फाइंड। जब हम कंट्रोल एफ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक बॉक्स खुल कर आ जाता है। तो हम इस बॉक्स में किसी भी लेटर को यहाँ पर टाइप करके और उसे हमारे पेज में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्नो मुकेश को लिख देते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे इस पेज में टेक्नो मुकेश तीन जगह पर लिखा हुआ था तो वह यहाँ पर हाईलाइट होकर हमारे सामने आ चुका है। कंट्रोल जी का मतलब होता है गो टू। हम जब कंट्रोल जी को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक बॉक्स खुल के आ जाता है। इसके बाद हमारे सामने इस पेन में यहाँ पर हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमें जिस पर भी जाना हो हम उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा पेज सिलेक्ट है, मान लीजिए कि हमें 9th पेज पर जाना है तो हम यहाँ पर 9th को टाइप करेंगे और हम जैसे गो टू पर जाएंगे तो हम डायरेक्ट ही 9th पेज पर पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास टोटल पेज 10 है जिसमें से हम यहाँ पर अब जो 9th वाला पेज है उस पर आ चुके हैं। कंट्रोल एच शॉर्टकट की होती है रिप्लेस की। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल एच को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ जाता है। अब हम पहले वाले बॉक्स में यहाँ जिस भी लेटर को टाइप करते हैं उसे हम सेकेंड वाले बॉक्स में किसी भी लेटर को लिखकर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में टेक्नो को टाइप कर लेते हैं। अब सेकेंड वाले बॉक्स में हम यहाँ पर कीबोर्ड लिख लेते हैं और हम जैसे यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे कि जहां पर भी हमारा टेक्नो मुकेश लिखा हुआ था वहां पर टेक्नो हटकर और वहां पर हमारा कीबोर्ड आ चुका है। कंट्रोल आई शॉर्टकट की होती है यहाँ पर इटालिक की। मान लीजिए हम यहाँ पर टेक्नो मुकेश को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर जब कंट्रोल आई को प्रेस करते हैं तो वह इटैलिक हो जाता है, मतलब तिरछा हो जाता है। कंट्रोल जी हमारी शॉर्टकट की होती है यहाँ पर जस्टिफाई की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे इस पैराग्राफ में स्टार्टिंग में तो सभी एक लेवल में हैं, लेकिन हम जब पीछे से इन्हें देखते हैं तो यह सभी लेवल में यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम जब इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल जी को अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे ये स्टार्टिंग में लेवल में थे वैसे ही हमारे लास्ट में भी लेवल में हो जाते हैं, ये जस्टिफाई हो जाते हैं। कंट्रोल के शॉर्टकट की है हमारे हाइपरलिंक की। हम जहां पर भी हमारा माउस का कर्सर रखते हैं और वहां पर हम जब कंट्रोल के को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप से बॉक्स खुल के आ जाता है जिससे हम हमारे सिस्टम की किसी भी दूसरी फाइल को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर टेक्नो मुकेश फाइल को ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी उस फाइल की यहाँ पर लिंक आ चुकी है। अब जब आप कंट्रोल को प्रेस करके और यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करते हैं
तो हम डायरेक्ट उस फाइल पर पहुंच जाते हैं जिसकी लिंक हमने यहाँ पर ऐड की है। तो आप देखिए कि हम हमारी टेक्नो मुकेश फाइल पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कंट्रोल एल शॉर्टकट की होती है यहाँ पर लेफ्ट अलाइन की। तो यहाँ आप देखिए कि टेक्नो मुकेश यहाँ पर सेंटर में लिखा हुआ है। जब हम इसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल एल को प्रेस करते हैं तो ये यहाँ पर इस पेज के लेफ्ट में आ जाता है। कंट्रोल एम को प्रेस करने पर कोई भी पैराग्राफ उसके लेफ्ट साइड में रिड्यूस होता है। आप देखिए हम यहाँ पर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल एम को प्रेस करते हैं तो हमारा पैराग्राफ यहाँ से लेफ्ट साइड से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल एन शॉर्टकट की होती है न्यू पेज की। जैसे हम कंट्रोल एन को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक ब्लैंक न्यू पेज ओपन हो जाता है। कंट्रोल ओ शॉर्टकट की होती है ओपन की। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल ओ को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक बॉक्स खुल के आ जाता है जिसमें हम यहाँ पर किसी भी लोकेशन पर जाकर और किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी शॉर्टकट की होती है यहाँ पर प्रिंट की। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल पी को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है जिसमें हमें यहाँ पर हमारी कॉपी की संख्या और हमारे पेज से रिलेटेड साइज सेटिंग हमें यहाँ पर मिल जाती है और फिर हम यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके और हमारे पेज को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल क्यू शॉर्टकट की होती है यहाँ पर हमारे डिफॉल्ट लाइन स्पेस की। अगर हम हमारे इस वाले पैराग्राफ की यहाँ पर लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं तो डिफॉल्ट हमारी यहाँ पर 1.15 होती है, लेकिन हम इसकी लाइन स्पेसिंग को यहाँ पर मान लीजिए कि 2 कर देते हैं और इसके बाद अगर हम जैसे यहाँ पर कंट्रोल क्यू को प्रेस करते हैं तो इसकी लाइन स्पेसिंग यहाँ पर वही डिफॉल्ट हो जाएगी जो हमारे सिस्टम की डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है। कंट्रोल आर शॉर्टकट की होती है हमारे यहाँ पर राइट अलाइन की। जैसे हम यहाँ पर टेक्नो मुकेश को सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल आर को प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्नो मुकेश हमारे पेज के यहाँ पर राइट साइड में चला गया। कंट्रोल एस यहाँ पर शॉर्टकट की होती है सेव की। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल एस को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर इस टाइप से एक बॉक्स खुल के आ जाता है जिससे हम हमारी फाइल को किसी भी नेम से और किसी भी लोकेशन पर यहाँ पर नेम देकर और यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर कंट्रोल टी को प्रेस करते हैं तो हमारी पहली लाइन तो वैसी ही बनी रहेगी लेकिन बाकी का हमारा जितना भी मैटर है वो हमारे लेफ्ट साइड में रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर कंट्रोल टी को जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारी फर्स्ट लाइन तो वैसी बनी हुई है लेकिन बाकी का मैटर हमारे लेफ्ट साइड से रिड्यूस हो रहा है। कंट्रोल यू शॉर्टकट की होती है अंडरलाइन की। जैसे हम यहाँ पर टेक्नो मुकेश को सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल यू को प्रेस करते हैं तो हमारे टेक्नो मुकेश के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन आ चुकी है। कंट्रोल वी यहाँ पर शॉर्टकट की होती है पेस्ट की। जब हम किसी भी चीज को यहाँ पर कॉपी करते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पर टेक्नो को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद जहां पर भी हम हमारे कर्सर को रखते हैं और वहां पर हम कंट्रोल वी को जब प्रेस करते हैं तो हमारा कॉपी किया हुआ या कट किया हुआ वहां पर पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल डब्ल्यू यहाँ पर शॉर्टकट की होती है क्लोज की। जब हम वर्ड में कंट्रोल डब्ल्यू को प्रेस करते हैं तो हमारी फाइल यहाँ पर क्लोज हो जाती है। तो देखिए हम जैसे ही कंट्रोल डब्ल्यू को यहाँ पर प्रेस करेंगे हमारी फाइल यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल एक्स यहाँ पर शॉर्टकट की होती है कट की। मान लीजिए हम यहाँ पर टेक्नो को सिलेक्ट करते हैं और जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल एक्स को प्रेस करते हैं तो वो यहाँ से कट हो जाता है और हम यहाँ पर मुकेश के बाद आके और यहाँ पर हम जब पेस्ट करते हैं तो हमारा टेक्नो यहाँ पर हमारी पुराने वाली प्लेस से हट गया और मुकेश के बाद आकर यहाँ पर पेस्ट हो गया। कट वाले ऑप्शन में कट करने पर वह चीज वहां से हट जाती है और जहां पर हम उसे रखते हैं वह उस प्लेस पर चली जाती है। कंट्रोल वाई यहाँ पर हमारी शॉर्टकट की है रिडू की, लेकिन हमारा रिडू ऑप्शन तभी अप्लाई होता है जब हम किसी चीज को यहाँ पर अंडू करते हैं। तो हम यहाँ पर टेक्नो मुकेश पर कुछ फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ इसे बोल्ड कर देते हैं, हम इसे इटैलिक भी कर देते हैं, हम यहाँ पर अंडरलाइन भी लगा देते हैं और हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इसके बाद हम ऊपर इस अंडू वाले ऑप्शन पर आकर यदि हम अंडू करते हैं तो आप देखिए कि हमने लास्ट बार में जो फॉर्मेटिंग की थी सबसे पहले वह हटेगी तो इसका कलर हट गया
उसके बाद हमने अंडरलाइन लगाई थी तो इसकी अंडरलाइन हट गई। उसके बाद हमने इसे इटैलिक किया था तो ये इटैलिक भी इसका हट चुका है। इसके बाद हमने इसको बोल्ड किया था तो बोल्ड भी हट चुका है। लेकिन हम जब किसी चीज़ को अंडू कर देते हैं और हमें फिर से वापस से बैक में जाना होता है, उसे ही यहाँ पर रिडू कहा जाता है, और उसी की शॉर्टकट की यहाँ पर कंट्रोल वाई है। अब अगर हम यहाँ पर कंट्रोल वाई को अप्लाई करेंगे तो जो भी यहाँ पर हमने अंडू किया है वह फिर यहाँ पर वापस से रिवर्स होने लगेगा। जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल वाई को जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर जो लास्ट टाइम पर हटा था बोल्ड वह आ चुका है। फिर कंट्रोल वाई को अप्लाई करने पर इटैलिक हो गया। फिर कंट्रोल वाई को अप्लाई करने पर उसकी अंडरलाइन भी आ चुकी है, और फिर से कंट्रोल वाई को अप्लाई करने पर उसका कलर भी चेंज हो चुका है। कंट्रोल जेड यहाँ पर शॉर्टकट की है अंडू की। हम हमारी फाइल में किसी भी काम को करते हैं या किसी भी फॉर्मेटिंग को करते हैं तो हम उसको वापस से रिवर्स ला सकते हैं, इसे यहाँ पर अंडू कहा जाता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेक्नो मुकेश को यहाँ पर सेंटर में सेट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर इसको बोल्ड कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अंडू को अप्लाई करते हैं, हम जैसे यहाँ पर कंट्रोल जेड को प्रेस करते हैं तो जो दोनों काम अभी हमने किए थे वो वापस से रिवर्स होने लगेंगे। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल जेड को प्रेस करते हैं हमारे यहाँ पर बोल्ड हट जाता है, और फिर से कंट्रोल जेड को प्रेस करने पर हमारा टेक्नो मुकेश हमारे यहाँ पर लेफ्ट में आ जाता है। अब तो आपको कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ ए टू जेड की का यूज अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके।